आज मैं गणित कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.4 में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए 2.4 तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से है, एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 121 और 196 का वर्गमूल निकालना है। तो बार बार हम घटाएंगे विषम क्रमागत संख्या को घटाएंगे। विषम क्रमागत संख्या क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जो है क्रमागत विषम संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं, तो तब तक घटाना है जब तक शून्य नहीं आ जाए। तो 21, 121 यहाँ है, तो ये 121 में 1 घटाएंगे तो 120 आएगा, 120 में 3 घटाएंगे तो 117 आएगा, 117 में 5 घटाएंगे तो 112 आएगा, 112 में 7 घटाएंगे तो 105 आएगा, और 105 में 9 घटाएंगे तो 96 आएगा, 96 में 11 घटाएंगे तो 85 आएगा, और 85 में 13 घटाएंगे तो 72 आएगा, और 72 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए 57 होगा, और 57 में से 17 घटाइए तो 57 में 17 घटाएंगे तो 40 आएगा। और फिर 40 में 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। फिर यहाँ है 21 में 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। हम तब तक घटाएं जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ 0 आ गया, अब देखना है कि 0 कितना बार में आया। तो गिनिए यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना बार में आया, 11। तो 121 का 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यह लिखेंगे, यहाँ से ऊपर बनाते हैं, तो 121, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन में है 196, 196 उसी तरह से 196 में हम क्रमागत विषम संख्या घटाएंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो घटाते हैं, स्टार्ट करते हैं 196, तो 196 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 195 आएगा। फिर है 195 में से 1 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या आएगा, 3 आएगा, तो 195 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 192। 192 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 187। घटाइए, इसे पहले चलेंगे 12, 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ 8 बचेगा, 8 आया। 187 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 187 में 7 घटाएंगे तो 180। 180 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 171। अब देखिए 171 में से हम 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 160। 160 में हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 147। ये जो है 1, 3, 5, 7, 9, ये क्रमागत विषम संख्या है। इसी तरह से घटाते जाना है, तब तक घटाना जब तक शून्य प्राप्त ना हो। तो 147 में से या 13 के बाद क्या आएगा, 15। तो 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 132। अब 132 में घटाएंगे 15 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या आएगा, 17 आएगा। तो 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 115। फिर 115 में हम 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। 96 में फिर हम कितना घटाएंगे, 19 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, 21 होगा। तो 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 75। अब 75 में से हम
21 के बाद क्रमागत विषम संख्या 23, तो 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 52। अब 52 में से हम कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे, तो 52 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 27। अब 27 में से हम 27 घटाएंगे, 25 के बाद क्रमागत विषम संख्या क्या आएगा 27 आएगा, तो क्या आएगा 0। यहाँ पर हमें घटाना है बहुत सावधानी से, यदि घटाव गलत होगा तो 0 आएगा ही नहीं। तो अब गिनते हैं कितना बार घटाएं कि 0 प्राप्त हुआ, तो गिनते हैं, देखिए यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कितना बार घटाएं 14 बार, तो 14 बार घटाएं तो 0 आ गया, तो 196 जो है 196 किसका वर्गमूल है ये 14 का है, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से विषम क्रमागत संख्या घटाते जाएंगे 0 ला के, और जितना बार आएगा वो 0 उसको काउंट कर लेंगे तो वही हो जाता है उसका वर्गमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो पहला है क्वेश्चन 400, तो अभाज्य विधि से निकालेंगे, तो अभाज्य विधि से कैसे निकालेंगे 400 यहाँ है, तो 400 का हम LCF निकालते जाते हैं, तो देखते हैं 400, तो पहले सबसे लोवेस्ट नंबर से हम इसको तोड़ते हैं, तो 2 है सबसे लोवेस्ट नंबर, तो 2 से इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 का 200 डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये कितना होगा 200, फिर 2 से जा रहा है तो कितना हो जाएगा 100 होगा, फिर 2 से जा रहा है तो कितना होगा 50 होगा, फिर 2 से जा रहा है तो 25 होगा। अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 है, 5 जो इकाई अंक में है वो विषम संख्या है। अब 3 से जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 25 आएगा नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 25 आएगा नहीं आएगा, 5 का टेबल पड़ेंगे 25 आएगा आएगा, तो 5 5 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम जितना बार ये आया अभाज्य में उसको सारे को हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 गुने 2 कितना बार 1, 2, 3, 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 चार बार हो गया, और 5 कितने बार है 2 बार, गुने 5 गुने 5, मतलब ये सब को हम गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, जोड़ा में मिलाएंगे, देखिए जोड़ा लगा रहे हैं, तो एक जोड़ा को हम एक बार लिखेंगे, एक जोड़ा को हम क्या लिखेंगे 2 का एक जोड़ा हुआ तो 1 2 लिखेंगे, उसके बाद ये जोड़ा है तो इसको 2 लिखेंगे, इसका जोड़ा ये है तो ये लिखेंगे, तो कितना आया 2 2 4 4 5 6 20 20, मतलब 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होगा। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि है। इस तरह से हम 400 का गुणन वर्गमूल निकालने कितना आया 20, 400 का वर्गमूल निकालने कितना आया 20, हम इसको ऐसे वर्गमूल का साइन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 144, तो 144 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 144 को निकालिए, 200 जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2, 144 का आधा कितना होगा 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 2 से जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि 9 है विषम संख्या है, 3 से जाएगा 3 3 9, तो यहाँ पर क्या होते जा रहा है डिवाइड होते जा रहा है, 144 को 2 से डिवाइड किए तो 72 आया, 72 को 2 से डिवाइड किया तो 36 आया, 36 को 2 से भागा दिया तो 18 आया, 18 को 2 से भागा दिया तो 9 आया, और 9 को 3 से डिवाइड किए तो कितना आएगा 3। अब इसको हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल का संकेत ये होता है, देखिए जितना भी आया ये है गुणनफल उसको सारा यहाँ लिखेंगे, तो 2 कितने बार 1 2 3 4 चार बार है तो 4 बार लिखेंगे, अब 3 कितना बार है 2 बार था 2 बार लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाते हैं
देखिए जोड़ा लग रहा है, और जो जोड़ा लगा उसमें से एक हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से। तो देखिए ये दो के बदले एक, और ये दो के बदले एक, और ये दो के बदले एक, इसको गुना करेंगे तो दो दूनी चार, चार तिया बारह, मतलब 144 किसका वर्गमूल हुआ 12 का, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764, 1764 इसको तोड़ते हैं, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। 1764 200 जाएगा, 200 जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 4 है, तो 200 तोड़िए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, 2 का टेबल कितना पड़ेंगे, लगभग 17 आएगा, 17 के आसपास आएगा, तो 2 8 16, तो 17 में 16 घटाएंगे तो 1 आया, फिर 6 उतारेंगे कितना आएगा मन में, जैसे एक तो हम समझा देते हैं डिवाइड करके। 1764 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 16, 1 6 2 8 16 कट गया, 4 उतारेंगे तो 2 2 4 कट गया, इस तरह से कितना है 882 आया, कितना है 882। अब 882 आया तो इसको 2 से डिवाइड, 2 यहाँ सम संख्या है, तो कितना आएगा 441 आएगा। अब देखिए 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 1 आ गया, विषम संख्या है। अब देखते हैं कितना होता है, 3 से देखिए, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, मन में इसको करते हैं 3 से देखिए डिवाइड करते हैं 441 को, 3 एकम 3, 1 4 3 चौका 12, 2 1 3 7 21, 147 आया, कितना आएगा 147, 3 से भागा दिए तो 147 आया। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 से, 3 चौके 12, 2 उतरेगा 7 उतरेगा 27 होगा, 3 9 27, फिर देखते हैं 7 से 7 49, अब नहीं जाएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो आपका रूट अंडर करेंगे, अब जितना बार ये आया है गुणनखंड उसको हम लिखेंगे, 2 कितना बार है 1 2 बार, तो 1 2, फिर गुना 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 × 3 उसके बाद कितना 7 दो बार है, तो 7 × 7। अब क्या करेंगे इसको हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाते हैं तो एक जोड़ा के बदले हम 2 अंक यहाँ है जोड़ा में, तो इसको हम 1 लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, उसी तरह से एक जोड़ा के बदले 3, देखिए 7 है तो इसको 7 लिखेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो 2 3 6 6 7 42, मतलब 1764 जो है से 42 का ये वर्ग हुआ, और 1764 का वर्गमूल क्या हुआ 42 हुआ, इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8100, इसको अब निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 8100 ऐसे करते हैं, 2 से जाएगा ही क्योंकि यहाँ 0 है, जब किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा 0 रहेगा तो 2 से जाता है, सम संख्या रहेगा तो भी वह 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड कीजिए, 2 चक्के 8, 1 2 5 10, 0 मतलब 40 50 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 20 25 आएगा, अब 2 से नहीं जाएगा तो कितना से जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 6 18, 20 में 18 घटाएंगे 2 आए 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 3 5 15, 3 से भी जाएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अब देखते हैं 3 से जाएगा 3 7 21, 1 3 5 15, 3 से जाएगा 25 3 75, अब 3 से ही नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 5 25, अब इसको क्या करेंगे रूट अंडर, जितना बार गुणनखंड आए उसको सब लिखेंगे, 2 कितना बार है 2 बार है, 3 1 2 3 4 बार है,
तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन गुने, पाँच कितना बार, दो बार है, पाँच गुने पाँच। अब क्या करते हैं, ये जोड़ा लगाते हैं और उसके बदले एक ठो लिखते हैं, तो दो गुने तीन गुने तीन गुने पाँच, इसको गुना करेंगे, गुना कीजिए, दो तिया छः, छः पचे तीस, और तीस तिया नब्बे, नब्बे आ जाएगा। तो ये नब्बे जो है सो इक्यासी सौ का वर्गमूल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज को बचाते हुए चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सतहत्तर चौवालीस, तो देखते हैं सतहत्तर चौवालीस को तोड़ते हैं, दो से जाएगा क्योंकि सम संख्या है अंतिम में, तो फास्ट करते हैं, दूनी चार, दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो से एक सौ ग्यारह, से ग्यारह जाएगा तो ग्यारह, क्योंकि ग्यारह का वर्ग, ग्यारह का वर्ग एक सौ इक्कीस आता है। अब देखते हैं और रूट अंडर करते हैं, तो दो कितने बार है काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः बार है, तो दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो, एक दो तीन चार पाँच छः, और उसके बाद ग्यारह कितने बार है, दो बार है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाइए, तो एक जोड़ा के बदले यहाँ दो लिखेंगे, फिर यहाँ दो लिखेंगे, फिर दो, फिर ग्यारह। अब इसको गुना कीजिए, कितना आता है, ग्यारह दूनी बाईस, बाईस दूनी चौवालीस, चौवालीस दूनी अट्ठासी, अट्ठासी ये है अट्ठासी आंसर हो जाएगा। सतहत्तर चौवालीस का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अट्ठासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025, तो 2025 को हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो 2025 दो से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है पाँच, तो दो से नहीं जाएगा। तीन से देखते हैं, तीन से अठारह, दो तीन से तीन से चला जाएगा, तीन से करते हैं तो तीन छक्का अठारह, दो आएगा दो, फिर उतारेंगे बाईस होगा, तीन सत्ते इक्कीस, एक तीन पचे पंद्रह। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2025 को तीन से डिवाइड करेंगे तो 675 आएगा, फिर तीन से तीन दूनी छः, पच्चीस तीन पचहत्तर, तीन से जाएगा, तीन सत्ते इक्कीस, तीन पचे पंद्रह, तीन से जाएगा। अब जितने बार एक गुणनखंड आए उसको लिखेंगे, तीन कितने बार है, एक दो तीन तीन चार, फिर है पाँच कितने बार, दो बार है, पाँच गुने पाँच। अब इसको जोड़ा मिलाएंगे तो कितना आएगा, तीन गुने तीन गुने पाँच, इसके बदले एक एक करके लिखें। अब इसको गुना करो, तीन तिया नौ, नौ पचे पैंतालीस, तो ये पैंतालीस आंसर हो जाएगा, गुना करेंगे तो पैंतालीस आ जाएगा, पैंतालीस आंसर, मतलब 45 का वर्ग होगा 20 25 और 20 25 का वर्गमूल होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पेज में काम चलाते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है 5184, तो इसको हम तोड़ते हैं गुणनखंड विधि से, इसको लंबा करते हैं, दो से जाएगा क्योंकि यहाँ अंत में चार है, दो दूनी चार, एक दो पचे दस, एक दो दो अठारह, एक दो से चौदह, दो से दो तीन छः, दो तीन चार, दो चौक आठ, दो से दो एकम दो, दो छः बारह, दो दूनी दो दूनी चार, दो से इक्कीस। अब दो से नहीं जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार है, तो यह लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8281, इसको निकालते हैं, 8281, सात एकम सात, सात से तोड़ेंगे, सात एकम सात चार, सचक बयालीस, सिक्स और देखिए सेवन से डिवाइड करते हैं, रफ करते हैं, ग्यारह तिरासी, सात एकम सात चार आठ, सती सत सत उनचास हो जाएगा, सत छक बयालीस, छ तीन सत नवा तिरसठ, देखिए आ गया तो कितना, एक सौ उनहत्तर, एक सौ उनहत्तर आएगा, फिर देखिए कितना जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सात नौ से
देखिए 9 से जा रहा है, 9 एकम 9, 9 7 16, 7 79 नहीं जाएगा, एक के बाद जाएगा कितना से, 13 से जाएगा, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। तो ये हुआ, इसको वर्ग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक जोड़ा मिलाएंगे तो 7 × 7 = 13 × 13। अब इसको मिलाएंगे कितना आएगा, 7 × 13, तो 13 का गुना करेंगे 7 पर कितना आएगा, 7 × 21 2, 7 × 7 और 2 = 91। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व किए। वीडियो लंबा हो गया है, नहीं तो और हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 3, 4, 5, 6, 7 है, सारा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 3, 4, 5, 6, 7 है, सारा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे।